देखते रहिए वीएन 08 न्यूज। बीनागंज चाचौड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज में कलेक्टर के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदारों पर तहसील प्रशासन व नगर परिषद की एक टीम ने की सामूहिक कार्रवाई। 3 दुकानों को किया गया सील। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए गुना जिलाधीश महोदय ने कुछ नियम व शर्तों के साथ दुकानें खोलने हेतु सभी दुकानदारों को आदेश दिया था, लेकिन 3 दुकानों पर कलेक्टर महोदय के आदेश का पालन नहीं पाया जाने पर 3 दुकानों को सील किया गया। देखिए और आगे। हाँ वो झंडा दो वाले टाइम लग रहा है। अरे जिंदगी से ये काम कर रहे हैं, निष्पक्ष और निडर। हम न किसी को दिखाते हैं न किसी को कराते हैं। चाचौड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने डीजल पेट्रोल पदार्थों के भाव में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर राष्ट्रपति के नाम चाचौड़ा एसडीएम को दिया ज्ञापन। बीनागंज शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल एवं पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि को लेकर एसडीएम राजीव समाधिया को भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम शहर कांग्रेस चाचौड़ा, शहर कांग्रेस बीनागंज और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चाचौड़ा के तत्वाधान में संयुक्त रूप से हमने आज ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापित करते हुए एसडीएम साहब को सौंपा है। हम मांग करेंगे सरकार से कि मूल्य वृद्धि तत्काल रुक दी जाए और किसानों को और आम जनता को राहत दी जाए।